दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करने वाली एक PSU है। सेठ वालचंद हीराचंद द्वारा 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से शुरू की गई ये कंपनी आज इंडिया में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। HAL ने अपने एग्जिस्टेंस के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कई एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स जैसे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, तेजस LCS दिए हैं। समय के साथ HAL ने खुद को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा स्पेस प्रोग्राम्स में भी इंटीग्रेट किया है। दोस्तों, इस सक्सेसफुल PSU के ऐसे अनेक अचीवमेंट्स रहे हैं जिसने इंडियन डिफेंस सेक्टर को मजबूती दी है, लेकिन आज ये PSU एक टफ टाइम फेस कर रहा है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर अनसर्टेनिटीज, लो एक्सपोर्ट्स, फंड क्रंचेस, पुअर मैनेजमेंट और ऐसे कई प्रॉब्लम्स इस PSU को आज आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का मकसद HAL की इसी जर्नी का एक केस स्टडी करना है, जिसके तहत हम HAL के सारे टर्निंग पॉइंट्स को जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी ने इंसेप्शन के साथ कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ और किन कारणों से आज वो बैकफुट पे खड़ी है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम HAL के इश्यूज को रिजॉल्व करने के प्रोस्पेक्ट्स पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, HAL का जन्म हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के तौर पे 23 दिसंबर 1940 के रोज किंगडम ऑफ मैसूर में हुआ था। अमेरिकन एविएशन एक्सपर्ट विलियम डॉगलस पावले के सपोर्ट से इंडस्ट्रियलिस्ट सेठ वालचंद हीराचंद ने अपनी एक इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी के सपने को साकार किया। दोस्तों, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का फॉर्मेशन इंडिया के लिए उस समय एक क्वांटम जंप था, क्योंकि सेठ वालचंद जी ने इंडिया में एयरक्राफ्ट बनाने का सपना तब देखा था जब देश में एक ऑटोमोबाइल या साइकिल भी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ करती थी। HAL ने अपनी जर्नी हॉर्लो ट्रेनर एयरक्राफ्ट, हॉक फाइटर्स और ब्यूल्टी अटैक बॉम्बर्स बनाने के प्रोजेक्ट से की। फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की हंट बड़ौदा, भावनगर और ग्वालियर से होते हुए मद्रास पहुंची, जहां के महाराजा कृष्णा राजेंद्र वोडियर ने अपने द्वारा सर मिर्जा इस्माइल की एडवाइस एक्सेप्ट करते हुए HAL को 700 एकड़ फ्री लैंड ग्रांट की। इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कंसेशनल रेट्स पे दिए गए, जिससे कंपनी अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के साथ रन कर सके। कुछ इस तरह से HAL की जर्नी बैंगलोर में शुरू हुई, जो आज देश का एविएशन हब बन चुका है। 2 साल के अंदर HAL ने फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, ऑफिस सेटअप, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, मशीनरी प्रोक्योरमेंट, असेंबली और टेस्टिंग लाइन जैसे सारे प्रोसीजर्स स्टिपुलेटेड टाइम में अकम्पलिश कर लिया। तब के ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने HAL की सक्सेस देखते हुए अप्रैल 1941 तक 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर 1/3 स्टेक्स परचेज कर लिया। दोस्तों, गवर्नमेंट का ये डिसीजन एशिया में ब्रिटिश मिलिट्री सप्लाईज को बूस्ट करने के लिए लिया गया था, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंपीरियल जापान द्वारा थ्रेटन किया जा रहा था। HAL ने अपना पहला एयरक्राफ्ट हार्लो PC-5 बनाया था। अप्रैल 1942 में गवर्नमेंट ने HAL में सेठ वालचंद और दूसरे प्रमोटर्स के स्टेक्स खरीद कर कंपनी को नेशनलाइज करने का डिसीजन अनाउंस किया। गवर्नमेंट के इस एक्शन के बाद मैसूर किंगडम ने अपने स्टेक्स सेल करने से इनकार कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट का कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को सौंप दिया। एक बड़े डिसीजन के तहत 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैक्ट्री को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स को सौंप दी थी, जिसने अगले 2 साल US फोर्सेस के अंडर काम किया। इस ट्रांसफर के बाद HAL ने मेजर एक्सपेंशन देखे और अमेरिकन एयरक्राफ्ट के मेजर ओवरहॉल और रिपेयर सेंटर के तौर पे अपनी पहचान बनाई। इस पीरियड में HAL को अमेरिका की 84th एयर डिपोर्ट के नाम से जाना गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया और बर्मा में ऑपरेट किए जाने वाले सारे एयरक्राफ्ट HAL में रिपेयर होने लगे और समय के साथ HAL ईस्टर्न स्फीयर में वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरहॉल और रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरा। वॉर के बाद कुछ सालों तक HAL ने रेलवे कैरेजेस बनाने का भी काम किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंपनी की मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में आई, जिसके अंडर रेलवे कैरेजेस बनाने का काम जारी रहा। 1954 तक HAL की कैपेसिटी एक साल में 158 ब्रॉड गैज कोचेस मैन्युफैक्चर करने की हो चुकी थी। दोस्तों, अब तक की जर्नी HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के तौर पर कवर कर रही थी। मॉडर्न HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फॉर्मेशन अक्टूबर 1964 में किया गया, जब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपोर्ट कानपुर के साथ एसोसिएट कर नई एंटिटी बनाई गई। इस ग्रुप का सेटअप MiG-21 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करना था, जिसके लिए कोरापुट, नासिक और हैदराबाद में नई फैक्ट्री सेटअप करने की प्लानिंग की गई। ऑल्दो HAL को HF-24 मारूट के सिवा
किसी दूसरे मॉडर्न फाइटर जेट के डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में HAL ने एक क्रूशल रोल प्ले किया। HAL ने जेट इंजन्स बनाने की जर्नी 1957 में ब्रिस्टल सिडली ऑर्फस जेट इंजन्स के मैन्युफैक्चरिंग से शुरू की। दोस्तों 1980s के दौरान HAL ने अपने ऑपरेशंस को मैसिवली राइज किया, जिसके बाद इंडिया में नए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स जैसे HAL तेजस और HAL ध्रुव का डेवलपमेंट हुआ। HAL ने इसी दौरान मिकोयन गुरेविच MiG-21, जिसे हम MiG-21 बिसोन के नाम से भी जानते हैं, उसका एक एडवांस वर्जन डेवलप किया, जिसने इसकी लाइफ स्पैन 20 ईयर्स से ज़्यादा इंक्रीज की। इन डेवलपमेंट्स के साथ HAL को कई $multi-million के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले, जिसमें एयरबस, बोइंग और हनीवेल जैसी कंपनीज ने इंजन्स और एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट्स HAL द्वारा मैन्युफैक्चर कराना डिपेंडेबल समझा। ईयर 2000 में HAL ने बैंगलोर में एयरपोर्ट सर्विस सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट किया। HAL के एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को MiG-21 एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में 2005 से 2006 के दौरान रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस के द्वारा नवाजा गया। जून 2007 में HAL की सक्सेस देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने नवरत्न स्टेटस कॉन्फर किया, जिसने HAL को स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल अटोनमी के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की भी पावर्स ग्रांट किए। नवरत्न स्टेटस एक्वायर करने के बाद HAL ने कई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स किए। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 में HAL ने एक सेपरेट हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया। 2016 में अपने कोरवा ब्रांच ऑफ एरोस्पेस सिस्टम्स और इक्विपमेंट रिसर्च और डिजाइन सेंटर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में अपग्रेड किया। दिसंबर 2016 में HAL द्वारा नैनी एरोस्पेस लिमिटेड को 100% HAL सब्सिडरी की तरह इनकॉर्पोरेट करना एक बड़ा माइलस्टोन बना। मई 2017 में HAL ने अपनी सब्सिडरी इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड भी इनकॉर्पोरेट की। दोस्तों इंडिया हर साल लगभग 10,000-11,000 करोड़ रुपीस आर्म्स इंपोर्ट में स्पेंड करता है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में HAL ने सेक्टर में इंडिया को काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करते हुए HAL इंडिया की लार्जेस्ट डिफेंस PSU है, जो आज 19 से ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स और 10 डिज़ाइन और रिसर्च सेंटर यूनिट्स रन करता है। अभी तक HAL ने 3600 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स, 4000 से ज़्यादा इंजन्स न्यूली कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसके अलावा 9000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 30,000 इंजन्स HAL द्वारा रिपेयर भी किए गए हैं, जिसके साथ इसने 300 के करीब एयरक्राफ्ट अपग्रेड भी किए हैं। HAL की रेवेन्यू 2020 में 21,522 करोड़ रही। इंटरेस्ट की बात यह है कि इंडियन डिफेंस सर्विसेज के साथ HAL वियतनाम एयरफोर्स, रॉयल थाई एयरफोर्स, नेपाल आर्मी, रॉयल एयरफोर्स, ओमान और बोइंग को भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों डिफेंस PSU होने के बावजूद HAL अपनी फंडिंग के लिए गवर्नमेंट या किसी मिनिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सेल्फ रिलायंट है। HAL आज सेल्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण 15 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स प्रोड्यूस करती है, जिसके अलावा फॉरेन कंपनीज के लाइसेंस के तहत 14 दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। HAL आज सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन्स, हॉक एडवांस जेट ट्रेनर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, डोर्नियर 228 और ध्रुव चेतक, चीतन और चीतल जैसे हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा HAL ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 और इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। दोस्तों HAL की सक्सेस स्टोरीज में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सेपरेटली डिस्कस करना जरूरी है, आइए एक नज़र उन पे डालते हैं। HAL के लिए एक बड़ा सक्सेस ध्रुव मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रहा है, जिसे डिफेंस सर्विसेज में 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एक जर्मन एरोस्पेस कंपनी मेसरश्मित बॉल्को ब्लॉम से कोलाबरेट कर HAL द्वारा डेवलप किए गए ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को इंडिया ने इंडिजिनस यूज के साथ नेपाल और इसराइल में भी एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों सुखोई 30 MKI HAL की दूसरी सक्सेस है। रशिया के साथ डील के बाद HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले सुखोईज आज इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन का काम करते हैं। HAL 2004 से ही सुखोई को इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर कर रहा है और आज इंडियन एयरफोर्स 137 सुखोई 30 MKIs ऑपरेट करती है। डिफेंस के अलावा HAL ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई है। HAL ने इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जैसे INSAT, IRS, PSLV और GSLV के लिए स्ट्रक्चर्स भी मैन्युफैक्चर किए हैं। HAL आज इंडिजिनस डिजाइन मीडियम लाइफ हेलीकॉप्टर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पे भी काम कर रही है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर या IMRH को डेवलप कर
HAL रशियन MI-17 क्लास हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना चाह रही है। ट्विन इंजन द्वारा पावर्ड IMRH हेलीकॉप्टर्स आर्मी और एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स के अलावा ब्लेड फोल्डिंग ऑप्शंस के साथ डेवलप किए जा रहे हैं, जिसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के साथ शिप डेक ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक स्लिपरी स्लोप पे आती है तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने HAL के केस में भी यूं ही देखा। एक ऐसी कंपनी जिसने समय के साथ खुद को PSUs के ग्रुप में नई ऊंचाई पे पहुंचाया था, आज एक बुरे दौर से गुजर रही है। HAL की सक्सेस स्टोरी में रुकावटें तब से देखने को मिलने लगी जब HAL के चेयरमैन ने जनवरी 2019 में बताया कि कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने के लिए 1,000 करोड़ का लोन लेना पड़ा है। दोस्तों, HAL के लिए फंड क्रंच शायद इस बात को देखते हुए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बाईबैक्स और डिविडेंड्स के माध्यम से HAL से 11,000 करोड़ रुपए एक्वायर किए हैं। फंड डिप्रिवेशन के अलावा HAL के प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करना उसके फॉल का बड़ा कारण बनी। आइए उन पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, रिसेंटली HAL को उसके 2 क्रूशल प्रोजेक्ट से दूर कर दिया गया। इनमें पहला प्रोजेक्ट रशिया के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA डेवलप करना था और दूसरा प्रोजेक्ट मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA को प्रोड्यूस करना था। इस रोल के लिए इंडिया द्वारा रफाइल को चूज किया गया था और प्रोजेक्ट के अंडर HAL द्वारा ऐसे 108 रफाइल जेट्स मैन्युफैक्चर किए जाने थे। HAL ने अपनी फ्यूचर ऑक्युपेंसी इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे प्लान कर रखी थी, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के रुकने के बाद कुछ हेलीकॉप्टर यूनिट्स को छोड़ रेस्ट सारे मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऑलमोस्ट आइडल हो गए। दोस्तों, जहां FGFA प्रोजेक्ट के कॉस्ट एस्केलेशन और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से नाखुश होकर गवर्नमेंट ने रशिया के साथ ये वेंचर डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया, वहीं एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत गवर्नमेंट ने 108 रफाइल जेट्स की जगह केवल 36 जेट डेवलप करने की डील अनिल अंबानी द्वारा ओन्ड रिलायंस डिफेंस एंड एरोस्पेस को सौंप दी। इस ट्रांसफर के तहत डील के ओवरऑल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दिया गया। दोस्तों, ये ट्रांसफर HAL के लिए टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तौर पर कॉस्टली साबित हुए। इस ट्रांसफर के पक्ष में गवर्नमेंट ने नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने स्टेटमेंट में कहा कि HAL फ्रेंच साइट के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स ज़्यादा मैन आर्स कंज्यूम करेगा यदि रफाल इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो। इसके अलावा दोनों कंपनीज के बीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। दोस्तों, ऑब्जर्वर्स का कहना है कि HAL टाइमिंग और सर्कमस्टेंस की विक्टिम है। सोशलिस्ट एरा के दौरान बने HAL की 9 प्रोडक्शन और 11 रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स हैं जो 7 स्टेट्स और 9 लोकेशंस में स्प्रेड हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट उस समय किया गया जब इंडिया के पास अपनी होम ग्रोन कैपेबिलिटी नहीं थी और सारे कंपोनेंट्स इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग करने पड़ते थे। इसके अलावा HAL ने कई दशकों तक फॉरेन एयरक्राफ्ट्स के लाइसेंस प्रोडक्शन भी किए हैं, जिसके कारण HAL ने ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए हैं। HAL एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ तेजस का भी प्रोडक्शन पार्टनर रहा है, लेकिन HAL की कुछ कमियों ने आज इसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है। केवल गवर्नमेंट बिजनेस पर रिलाई करने के कारण HAL अपने कंफर्ट जोन से बाहर डेवलप नहीं कर पाई है। पुअर वर्क कल्चर, गवर्नमेंट हैंडआउट्स पे सब्सिड करना, चेंज के लिए पुश ना करना HAL की बड़ी कमियों में से कुछ एक है। रिटायर्ड एयर मार्शल M. माथेश्वरन का कहना है कि HAL हमेशा से कंफर्ट जोन में रहा है। इसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कभी एक्सपोर्ट्स नहीं करने पड़े और जब तक ये लाइसेंस प्रोडक्शन करती रही तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने भी क्वेश्चंस नहीं किए। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जिसकी रेवेन्यू $3 बिलियन से भी ज़्यादा हो और वो 500 करोड़ के एक्सपोर्ट्स भी ना कर सके, ऐसे केस में उसके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट डेवलप करना कैसे मुमकिन होगा। HAL के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 18 के दौरान HAL के एक्सपोर्ट्स केवल 314 करोड़ के थे। दोस्तों, HAL ने एक लंबे समय तक लाइसेंस प्रोडक्शंस किए हैं। USSR एरा में मिक्स से लेकर जैगुआर, हॉक्स और सुखोई 30 MKI तक HAL ने लाइसेंस के अंडर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये सारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट्स थे जिसने HAL की एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर दिया। इन प्रोजेक्ट से HAL को असेंबली लाइन की नॉलेज तो मिली, लेकिन उसके पीछे की टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं कर पाया। इसके अलावा एक HAL एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ऐसी डील्स नेगोशिएट करने के लिए उनके पास इंटरनल कैपेसिटी नहीं है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से बातचीत के दौरान वो लॉयर्स और टेक्निकल पीपल के कंपैरिजन में आउट नंबर हो जाते हैं और फॉरेन कंपनीज के टर्म्स को मानने पे मजबूर हो जाते हैं। एक वेटरन एयरफोर्स ऑफिसर ने गवर्नमेंट को 2014 में एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए सजेस्ट किया था कि HAL को कॉर्पोरेटाइज करने देना चाहिए। इस रिपोर्ट में HAL को मल्टीपल कंपनीज में डिवाइड कर एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड डेवलप करने की जरूरत बताई गई थी।
दोस्तों इस डोमेन में क्रिटिक्स द्वारा डसॉल्ट एविएशन का एग्जांपल दिया जाता है, जिसे पहले फ्रेंच गवर्नमेंट ओन किया करती थी। बाद में डसॉल्ट को कॉर्पोरेटाइज कर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलप किया गया। यदि सिमिलर पैटर्न में एचएल को ट्रांसफॉर्म किया जाए तो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में एचएल के लिए इनफ मार्केट क्रिएट किया जा सकेगी। देवा मोहंते एक डिफेंस एक्सपर्ट और इंडाइक एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इनका मानना है कि एचएल इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि इसे गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट कंट्रोल में रहने के कारण एचएल की बिल्डिंग कैपेसिटी लिमिट कर दी गई है। यदि एचएल सुखोई 30 असेंबल कर सकता है तो रफाल असेंबल करने में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडिया दुनिया का अकेला देश है जहां रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोडक्शन यूनिट से अलग किया गया है। रिफरेंस के तौर पर मिस्टर मोहंते ने कहा, यूएसए में पेंटागन रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करता है, लॉकहीड मार्टिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी और प्रोडक्शन भी करता है। दोस्तों एचएल की एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए की गई थी, लेकिन समय के साथ ये बात देखी गई कि गवर्नमेंट सपोर्ट और फंडिंग के बावजूद एचएल ने वो रिजल्ट्स नहीं दिए जिसकी उम्मीद की गई थी। 7 decades के बाद भी इंडियन मिलिट्री एविएशन आज भी इम्पोर्टेड या लाइसेंस बिल्ट एयरक्राफ्ट द्वारा ही डोमिनेट किया जाता है। एचएल के यदि माइनर एक्सपोर्ट्स को इग्नोर किया जाए तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ही एचएल का कस्टमर बनना पड़ा है। बिना किसी मार्केट कंपटीशन के एचएल अपनी एफिशिएंसी से दूर हो गई है, जिसे आज एक सीरियस रीस्ट्रक्चर की जरूरत है। पहला तो एचएल आज बोइंग या एयरबस से काफी अलग लीग पे है। फोकस अप्रोच की जगह एचएल सारे तरह के एविएशन के साथ स्पेस सेक्टर में भी इन्वॉल्व है। इस डोमेन में एचएल को एक ट्यूर एयरक्राफ्ट इंटीग्रेटर बनने की जरूरत है, जहां दूसरे डिविजन्स को सेपरेट इंडिपेंडेंट फर्म्स बनाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो इंजन डिवीजन, हेलीकॉप्टर डिवीजन, एक्सेसरीज डिवीजन्स को सेपरेट एंटिटीज बना दी जाएगी, जिससे वो अपने असाइन टारगेट्स पे बेटर फोकस कर पाएंगे। सिमिलरली स्पेस डिवीजन को इसरो के हाथों में सौंपा जा सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स को मैनेजमेंट में एंटर कर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर की जा सकती है। दोस्तों दूसरा रिफॉर्म इस डोमेन में किया जा सकता है कि एयरक्राफ्ट की रीडिजाइन किसे प्रिपेयर करनी है इसे क्लियर किया जाए। एचएल में एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो के एग्जिस्टेंस के बावजूद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA को DRDO के अंडर क्रिएट किया गया था, जिससे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का काम दिया गया था। दोस्तों स्टेप के चलते HAL और DRDO के बीच एक ईगो वॉर देखी गई, जिसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन में देखा गया। इसके अलावा जब इंडिया में HAL और ADA का एग्जिस्टेंस है तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के एग्जिस्टेंस का क्या पर्पज रह जाता है। दोस्तों थर्ड रिफॉर्म की जरूरत एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स को है। आज ये समय आ गया है कि इंडियन डायस्पोरा को यूटिलाइज कर HAL में फ्रेश आइडियाज और एनर्जी इन्फ्यूज करें, जो NRIs, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी और नासा जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिमिलर अप्रोच चाइना ने एक समय पर लगाया था, जिसका इम्पैक्ट आज हम चाइनीज डिफेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी देख सकते हैं। दोस्तों इंडिया को आज इस बात को रियलाइज करना होगा कि आज भी हमारे 70% से ज़्यादा अर्मामेंट्स इम्पोर्ट किए जाते हैं। इस इम्पोर्ट बिहेवियर ने ऑल दो हमें एक बायर होने का टैग दे दिया है, लेकिन इस इमेज को एक्सप्लॉइट कर हम टेक्नोलॉजीज एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा HAL को एविएशन प्रोफेशनल्स द्वारा हेड किया जाना एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप होगा, जहां एविएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोफेशनल बूस्ट मिलेगा। दोस्तों ये थी कहानी HAL की। आज HAL कई इश्यूज से जूझते हुए अपने एग्जिस्टेंस को एंश्योर करने की कोशिशें कर रहा है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 83 तेजस के प्रोडक्शन के लिए HAL को डेलीगेट किए गए 48,000 crore rupees के प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए तो HAL को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आज इस PSU के फ्यूचर को लेकर कई कन्फ्यूजन है। एक ऐसी कंपनी जिसने एक समय में अपनी कैपेबिलिटीज से इंटरनेशनल कंपनी से कॉन्टैक्ट हासिल किए, आज अपने देश में ही लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्किल के कारण पीछे छूट रही है। गवर्नमेंट ने ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के इल इफेक्ट्स को समझते हुए आज डिसइन्वेस्टमेंट्स के थ्रू HAL को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंपना शुरू कर दिया है, लेकिन HAL एम्प्लॉयज द्वारा किए जाने वाले अपोज इन प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पुश कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए HAL के स्ट्रक्चरल इश्यूज एक सीरियस सेटबैक ऑफर कर सकते हैं। इसके साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी आज एक वाइटल स्टेज पे खड़ी हैं, जहां पहले हमारे विरुद्ध केवल चाइना और पाकिस्तान थे, तालिबान के टेकओवर ने इंडिया की मुश्किलें रीजन में और बढ़ा दी हैं। ऐसे सिचुएशन में सोशलिस्टिक एसेंस को मेंटेन रख HAL जैसे PSUs को गवर्नमेंट कंट्रोल में रखना किस हद तक देश के हित में है, इसका जवाब हमें आप दें। इंडियन एयरफोर्स आज फंड क्रंच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस से जूझ रहा है।
डोमेस्टिक पीएसयूज को सर्वाइव करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को सफर करवाना देश के लिए लॉन्ग रन में सीवियर लॉस होगा। लेकिन क्या एचएएल और उसके एम्प्लॉयज को भी इस क्राइसिस में छोड़ देना एक राइट ऑप्शन होगा? इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।